नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है पंचायती राज व्यवस्था और गांधी दर्शन से संबंधित, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर अभी ये चर्चा में क्यों है, और बात करेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य क्या है आपका, क्या होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। फिर इसके बाद हम लोग इसकी एक पृष्ठभूमि देखेंगे, और जो आपका पंचायती राज है इससे संबंधित विभिन्न समितियां हैं, जो पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां बनाई गई उन्हें भी हम लोग देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं उन्हें भी देख लेंगे, पंचायतों का कार्यकाल के बारे में जान लेंगे, और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं उन्हें भी देख लेंगे, पंचायतों के संबंध में गांधी दर्शन, पंचायतों के संबंध में गांधी दर्शन क्या है उसे भी देख लेंगे, पंचायती राज की सफलता में चुनौतियां क्या क्या हैं उन्हें भी देखेंगे हम लोग, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय क्या हो सकते हैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को आपके यहाँ पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों के ग्राम प्रधानों के साथ पंचायती राज के महत्व व कोरोना वायरस के रोकथाम में पंचायतों की भूमिका पर चर्चा की गई है। पंचायती राज व्यवस्था का बहिरंगावलोकन करने से ज्ञात होता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। जो आपका 73वां संविधान संशोधन था ये आपका 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और कोई भी देश, राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जा सकती है जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो एवं विकास का प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक, यानी कि टॉप टू बॉटम की ओर होने के बजाय निचले स्तर से ऊपरी स्तर, मतलब बॉटम बॉटम टू टॉप की ओर हो। ठीक है, बॉटम टू टॉप। पंचायती राज व्यवस्था में विकास का प्रवाह निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर करने के लिए वर्ष 2004 में पंचायती राज को अलग मंत्रालय का दर्जा दिया गया। भारत में पंचायती राज के गठन व उसे सशक्त करने की अवधारणा महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है। गांधी जी के शब्दों में हम लोग कहें तो सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। आपको बता दें, ऊपर से कितनी भी योजनाएं बन जाए, प्रधानमंत्री कुछ भी कर ले, केंद्र सरकार कुछ भी करे, कितनी भी योजनाएं लाए, कितने भी काम करे, राज्य सरकारें कितना भी काम करें, अगर आपका पंचायत सही से नहीं चलती, पंचायत अच्छे से काम नहीं चलती, तो इनका कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि एक पंचायत ही ऐसा प्रशासन है जो अगर अच्छे से काम करे तो सभी गरीबों, सभी वंचितों, सभी असहाय लोगों को फायदा दिला सकती है हर काम का। ठीक, तो अगर वो सही से काम करती हैं तो बेहतर हर योजना का क्रियान्वयन हो सकता है, और इसी उद्देश्य से आपका पंचायत बनाई गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वह अपने हितों व आवश्यकताओं के अनुरूप शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज की स्थापना
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक मान्यता मिली थी। इसका उद्देश्य देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान करने, उन्हें सशक्त बनाना था। यह उम्मीद थी कि ग्राम पंचायत स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी। ठीक, एक पृष्ठभूमि देख लेते हैं इसकी पंचायत की। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय सुशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय सुशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। याद रखिए, यह वही लॉर्ड रिपन है जिसके कार्यकाल से नियमित जनगणना हुई थी। क्या हुई थी? नियमित जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल से आपकी जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन लॉर्ड रिपन के काल से आपकी नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में योजना आयोग और अब योजना आयोग की जगह आपका नीति आयोग आ गया द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय विकास सेवा कार्यक्रम 1993 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति आपकी पंचायत से संबंधित थी। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया गया था। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, गांधी जयंती पर। वर्ष 1993 में 73 व 74 संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति आपकी मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर शामिल है। ठीक, पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां बनाई गई, इनमें आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीबीके राव समिति ये आपकी 1985, एलएम सिंघवी समिति 1986। इन तीनों समितियों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कभी भी क्रम में लगाने के लिए प्रीलिम्स में पूछ लेता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं की बात करें हम लोग, तो इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा यानी कि अनुच्छेद 243 की गई। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ना तक यानी कि 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध हैं। ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल भी निर्धारित करे। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। पंचायतों की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात 7 हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो। तो याद रखिए इन सभी पॉइंटों को। संविधान का अनुच्छेद 243 घा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां की आबादी के अनुपात में होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों की 1/3 से कम नहीं होगी। बात करते हैं पंचायतों का कार्यकाल की। तो पंचायतों का कार्यकाल आपका 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या फिर पंचायत भंग होने की तिथि से 6 महीने के भीतर ही करा लिए जाने चाहिए। अब बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को वैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में आपका भाग 9 का जोड़ा गया और यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 243 यानी कि 243 पी से 243 याच्छा यानी कि 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित आपके उपबंद किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 था में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में उपबंध है जो आपके इस प्रकार है। नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर पालिका परिषद छोटे शहरों अथवा लघु नगर नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है। नगर निगम बड़े नगरीय क्षेत्रों या महानगरों में गठित की जाती है आपकी नगर निगम। इसके द्वारा संविधान में 12वीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई। नगर पालिकाओं की सभी सीटों को नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक निर्वाचन से चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। आरक्षित सीटों की संख्या 1/3 से कम नहीं होगी। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों शुल्कों टोल और फीस इत्यादि को उचित तरीके से एकत्रित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। अब बात करते हैं पंचायतों के संबंध में गांधी दर्शन। गांधी अपने को ग्रामवासी ही मानते थे और गांव में ही बस गए थे। गांव की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने अनेक संस्थाएं कायम की थी। ग्रामवासियों की शारीरिक आर्थिक सामाजिक और नैतिक स्थिति सुधारने का परसक प्रयत्न किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि गांव की स्थिति में सुधार करके ही देश को सभी दृष्टि से अपराजेय बनाया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा गांव को पराश्रित बनाने का जो षड्यंत्र किया गया था उसे समझकर ही वे ग्रामोद्धान को सब रोगों की दवा मानते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत गांधी जी की कल्पना के अनुसार ही ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई। गांधी जी का मानना था कि ग्राम पंचायतों को प्रभावशील होने में तथा प्राचीन गौरव के अनुकूल होने में कुछ समय अवश्य लगेगा। यदि प्रारंभ में ही उनके हाथों में दंडकारी शक्ति सौंप दी गई तो उनका अनुकूल प्रभाव पड़ने के स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रारंभ में ही ऐसे अधिकार देने में सतर्कता आवश्यक है जिसके कारण उनके अस्तित्व पर प्रसन्न चिन्ह ना लगे। प्रारंभ में यह आवश्यक है कि पंचायतों को जुर्माना करने या फिर किसी सामाजिक बहिष्कार करने की सत्ता ना दी जाए। गांव में सामाजिक बहिष्कार अज्ञानी या अविवेकी लोगों के हाथ में एक खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ
जुर्माना करने का अधिकार भी हानिकारक साबित हो सकता है और अपने उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। गांधी जी के इस विचार का तात्पर्य पंचायतों को अधिकार विहीन बनाना नहीं, बल्कि अधिकारों का दंड देने के रूप में संयमति प्रयोग किए जाने से। गांधी जी पंचायत को अधिकार भोगने वाली संस्था न बनाकर सद्भाव जागृत करने वाली रचनात्मक संस्था के रूप में विकसित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि यह संस्था गांव में सुधार का वातावरण पैदा कर सकती है। पंचायती राज की सफलताओं में चुनौतियां। पंचायत के पास वित्त प्राप्ति का कोई मजबूत आधार नहीं है, उन्हें वित्त के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। याद रहे कि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिए ही होता है। कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर नहीं हो पाता है। कई पंचायतों में जहां महिला प्रमुख हैं, वहां कार्य उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है। महिलाएं केवल नाम मात्र की प्रमुख होती हैं। इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का उद्देश्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन पंचायतों के मामले में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनके कार्य एवं निर्णय प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच सामंजस्य बनाना मुश्किल होता है, जिससे पंचायतों का विकास प्रभावित होता है। पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं खुद अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करें। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में बढ़ोतरी की है। इस दिशा में और भी बेहतर कदम उठाए जाने की जरूरत है। पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिए जाएं और बजट आवंटन के साथ ही समय समय पर विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिए। इस दिशा में सरकार द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ एक सराहनीय प्रयास। महिलाओं को मानसिक एवं सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना चाहिए, जिससे निर्णय लेने के मामले में आत्मनिर्भर बने। पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों पर क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन करना चाहिए तथा इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना चाहिए। तो ये था आपका पंचायत तिरासम से संबंधित आपका आर्टिकल, ठीक है। इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके पॉइंटों को याद रखिए, क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चंस आपका पूछ लेता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका।